हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेट डॉक्टर में। आज बात करते हैं हम जो डेरी फार्म में यूज़ की जाने वाली महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में, कौन कौन से इंजेक्शन महत्वपूर्ण हैं। तो जो फोर्टिविर इंजेक्शन है विरवैक कंपनी का, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें एंड्रोफ्लोक्सासिन 10% साल्ट पाया जाता है। इसका उपयोग एंटीबायोटिक के तौर पर किया जाता है। यहाँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया पर काम करता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया को किल करता है। इसकी यूज़ की बात करें तो हम एक्यूट मस्टाइटिस में जो थनेला रोग होता है उसमें, निमोनिया में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो गर्भाशय में सूजन आ जाती है मेट्राइटिस में इसका उपयोग किया जाता है। गर्भाशय में मवाद भर जाना उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, वुंड वगैरह जो घाव हो जाते हैं शरीर में, उसके सुखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मल्टी विटामिन सीरप बायमरोल के बारे में। इसमें विटामिन ए पाया जाता है जिसका कार्य है शरीर की शारीरिक वृद्धि के लिए, नेत्रों को मजबूत रखने के लिए। यहाँ ओवरी पर फोलिकल निर्माण में सहायक होता है जिससे पशु हिट में आ जाता है। अब बात करते हैं विटामिन D3। इसकी कमी से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अच्छी तरह से उपयोग नहीं हो पाता तथा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। विटामिन ई के बारे में, तो इसकी वजह से मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, पशु ठीक से गर्मी पर नहीं आ पाता, शारीरिक वृद्धि के लिए भी मदद करता है। विटामिन B12 का उपयोग की बात करें तो यहाँ भूख लगाने में, पाचन क्रिया में सहायक है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और RBC की संख्या बढ़ाता है। अब बात करते हैं हाईटेक इंजेक्शन के बारे में। इसमें आइवरमेक्टिन साल्ट पाया जाता है। इसके यूज़ की बात करें तो हम इसमें एंडोपेरासाइट जैसे आंतरिक परजीवी, इसमें पेट के कीड़े, आँत के कीड़े, आँखों में कीड़े पड़ना, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं एक्टोपेरासाइट जैसे बाहरी परजीवी, जूं, चीचड़, किलनी। इसके यूज़ की बात करें तो इसको सबकट यूज़ में लेना है। अब बात करते हैं हम हाइप्रोजन इंजेक्शन के बारे में, जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। इसका उपयोग की बात करें तो हम प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में इसका बहुत उपयोग है और कंसेप्शन रेट को भी बढ़ाता है। इसे AI के 5 से 6 दिन बाद इसको यूज़ में ले सकते हैं। इसे 3 ml या 2 ml डोज लगा सकते हैं उसको AI करवाने के बाद। इसको मास में लगाना है इंट्रामस्कुलर। इसको हम ठंड का इंजेक्शन भी कह सकते हैं, यहाँ गर्भपात होने से रोक। अब बात करते हैं मोक्सीविल IU के बारे में। IU का मतलब है इंट्रायूट्राइन या गर्भाशय में दवाई छोड़नी। उसके बारे में बात करते हैं, यहाँ बेलकोन कंपनी का शानदार प्रोडक्ट है। इसका उपयोग मेट्राइटिस, गर्भाशय में सूजन आ जाना, पायोमेट्रा, गर्भाशय में मवाद भर जाना, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। बच्चेदानी में जिसे इन्फेक्शन कहते हैं या बच्चेदानी में मवाद भर जाता है, इसको उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रिसेप्टाल के बारे में, जिसमें ब्रुसेलिन एसीटेट पाया जाता है। यहाँ MSD कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यहाँ ओवुलेशन करवाने की प्रक्रिया को करता है या मादा में अंडाणु बनाने की क्रिया को करता है, जिससे AI करने के बाद कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है। और इसका उपयोग AI से 12 घंटे पहले या 6 घंटे पहले करना है, उसके बाद AI करवानी है, जिससे आपका पशु रिपीट नहीं होगा बार बार।